बालोतरा में राशन वितरण में कथित भेदभाव के विरोध में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की प्रदेश भाजपा ने निंदा की है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार विद्वेष की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बालोतरा में भाजपा नेता राशन वितरण में भेदभाव को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करने गए थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम प्रदेश सरकार की अभिमान की पराकाष्ठा दर्शाता है। सरकार की विद्वेष की राजनीति की एक तस्वीर और दिखती है बालोतरा बाड़मेर में, जहां पर राशन के भेदभाव की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभापति और सारे पार्षद अपना विरोध दर्ज करने के लिए और संजीदगी से अपनी बात को कहने के लिए गए, लेकिन इस तुगलकी सरकार में अफसरशाही किस तरीके से काम करती है उसकी वानगी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल अपना अभिमान ऊंचा करने के लिए वहाँ जिलाध्यक्ष को, पार्षदों को, सभापति को गिरफ्तार किया जाता है, उनको 151 में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी महामारी के मौके पर इस तरीके का आचरण, ये कांग्रेस पार्टी के उस तुगलकी आचरण के उस दंभ और अभिमान का पराकाष्ठा से दिखती है। मैं इसकी निंदा करता हूं और निश्चित रूप से ये चाहूंगा कि इसका निर्णय जनता तो समय पर करेगी ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को और उनके नुमाइंदों को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जायज आवाज दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने हमारे विधायकों पर मुकदमे दर्ज किए और अब उसी कड़ी में इस तरीके से आचरण करके उन्होंने अपने आप को, जो भेदभाव की बात थी, उसको साबित कर दिया।